गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9 के लिए आज कुछ मुख्य बिंदुओं पर विचार करना है, जिसका शीर्षक है उपभोक्तावाद की संस्कृति, जिसके रचयिता हैं श्याम चरण दुबे। इस पाठ में कुछ मुख्य बिंदुओं को इस प्रकार रखा गया है। इसमें मुख्य बिंदु है सांस्कृतिक अस्मिता। जैसा कि आप जानते हैं कि सांस्कृतिक का अर्थ होता है हमारे रहन सहन से जुड़ी हुई बात। संस्कृति का अर्थ ही रहन सहन होता है। तो यहाँ सांस्कृतिक अस्मिता, अस्मिता का अर्थ होता है इज्जत, मान, सम्मान। तो हमारे परिवेश में हमारे रहन सहन का विश्व स्तर पर, राज्य स्तर पर, समाज के स्तर पर, परिवार के स्तर पर क्या हमें अस्मिता मिलती है, क्या हमें सम्मान मिलता है, उसमें हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा हाथ है। इस बिंदुओं को इस प्रकार यहाँ स्पष्ट किया गया है कि अस्मिता का तात्पर्य है पहचान। तो हमारे देश और राष्ट्रीयता का पहचान हमारी भाषा जो है वह हमें दिलाता है। हम भारतीयों की अपनी एक सांस्कृतिक पहचान है, क्योंकि भारतवासियों का भाषा के साथ साथ उनकी भाषा की शैली जो है, उनके व्यवहार की शैली जो है, उनकी विनम्रता यह बोध कराता है कि इनकी संस्कृति जो है वह सभ्य जातियों से है। भारत की संस्कृति के मेल जोल में यहाँ के प्राकृतिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक आदि शब्दों का जो मेल जोल है वह स्पष्ट होता है। हम मिली जुली संस्कृति की पहचान हम अपनी सांस्कृतिक अस्मिता के माध्यम से बनाते हैं। उपभोक्तावाद की नीति में श्याम चरण दुबे ने जो यह बात स्पष्ट किया है कि हमारी उपभोक्तावाद की जो नीति है उसमें हमारा रहन सहन हमारे परिवेश को स्थान दिलाता है, हमारी पहचान बनाता है। हमारे वस्त्र, खान पान, रहन सहन ही हमारे संस्कृति की पहचान होती है। सांस्कृतिक उपनिवेश, सांस्कृतिक उपनिवेश का अर्थ होता है कि विजेता देश, यानी जो देश दूसरे देशों पर विजय प्राप्त करते हैं वहाँ उनका प्रभुत्व स्थापित हो जाता है, वहाँ उनका वर्चस्व कायम होता है, वे देश उसके उपनिवेश कहलाते हैं, यानी जीता हुआ प्रदेश। सामान्यतया विजेता देश की संस्कृति जो है वह विजित देश पर लादी जाती है, यानी जिस देश को वो जीतते हैं उस पर जीतने वाले देश अपने विजित देशों पर, अपनी विजेता देश जो है वह अपनी संस्कृति को वहाँ लादने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हिंता ग्रंथिवश विजित देश विजेता देश की संस्कृति को भी अपनाने लगते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो देश विजय कहलाते हैं, विजयी होते हैं, वह विजय प्राप्त करने वाले देशों पर अपनी भाषा का प्रभाव डालना चाहते हैं, अपनी संस्कृति का प्रभाव डालना चाहते हैं,
यानी वह अपनी अहमियत के द्वारा विशेष रूप से उसे हीनता की भावना से ग्रसित देखना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि एक लंबे समय से विजेता देश की संस्कृति को वो अपनाए रखते हैं और उस संस्कृति के द्वारा ही वह देश की उपनिवेश जो है वह स्वीकार कर ली जाती है। यानी जो देश बहुत दिनों तक विजय प्राप्त कर विजित देशों पर अपना धीरे धीरे अधिकार जमाते हैं उसमें हमारी संस्कृति बहुत महत्व रखता है। तीसरा बिंदु है बौद्धिक दासता। यह अन्य दासताओं में से श्रेष्ठ समझकर उनकी बौद्धिकता के प्रति बिना आलोचनात्मक दृष्टि से उसे स्वीकार कर लेना ही बौद्धिक दासता है। जैसा कि आप दूसरे बिंदु में आप समझे कि उपनिवेशवाद की जो नीति होती है दूसरे देश के द्वारा दूसरे देशों को जो हीनता की भावना से ग्रसित किया जाता है, तो वैसे देशवासी किसी देश की जो बौद्धिक क्षमता होती है उसको बिना सोचे विचारे उसके अधीन हो जाते हैं। उसकी दासता को बौद्धिक दासता के नज़र से देखा जाता है, यानी उनकी बौद्धिक क्षमता का वो आलोचना नहीं कर पाते हैं, उस पर तर्क वितर्क ना कर उसके बुद्धि को स्वीकार कर लेते हैं। इसी को हम बौद्धिक दासता कहते हैं। चौथा बिंदु है छद्म आधुनिकता। इन सारे बिंदुओं को यहाँ रखने का तात्पर्य यह है कि हम अपने वर्चस्व को कहीं कायम करते हैं, कहीं कायम हुए देखते हैं, इसके पीछे आखिर क्या कारण छिपा होता है। आधुनिकता का सरोकार विचार और व्यवहार दोनों से है। अभी हम आधुनिक युग में प्रवेश कर गए हैं जहाँ हमारा सोच जो है वह बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन वहाँ अगर हमारा व्यवहार सही रूप में दूसरे के सामने प्रत्यक्ष रूप में अगर सकारात्मक ना होता है तो वहाँ हमारी मात हो जाती है, वहाँ हम हार मान लेते हैं। तर्क शक्ति, वैज्ञानिक क्षमता और आलोचनात्मक दृष्टि से ही हमारी नवीनता को स्वीकार किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उपभोक्तावाद की संस्कृति में हम आधुनिक प्रचलन को तो आंख मूंद कर विज्ञापन को देखकर अपना रहे हैं, लेकिन हमें उसके साथ साथ उसकी आलोचनात्मक क्षमता को भी देखना है। हमें बौद्धिक दास्ता के अनुसार उसे कबूल न कर लेनी चाहिए, इस बातों का ध्यान रखनी चाहिए। इस आधुनिकता के व्यवहार को अपनाने में ये सब बिंदुएं कारगर होते हैं। कहने का अर्थ यहाँ यह है कि हम विलासिता की दुनिया में, आधुनिकता की दुनिया में हम दास्ता को स्वीकार न कर लें, वहाँ हमें तर्क वितर्क के अनुसार अपने विवेक के अनुसार ही किसी चीज़ों को मान्यता देनी चाहिए। जब हम आधुनिकता को वैचारिक आग्रह के साथ स्वीकार कर लेते हैं तो वह फैशन होता है, लेकिन अगर उसी आधुनिकता को हम तर्क वितर्क के साथ स्वीकारते हैं, अपनाते हैं, तो वह छद्म आधुनिकता की श्रेणी में रखी जाती है।
तो यह विचारणीय बिंदु है कि आधुनिकता को हम कबूल करें, लेकिन हम छद्म आधुनिकता को अपनाते हुए, यानी आधुनिकता को अपनाने में हमारी बौद्धिक क्षमता जो है वह श्रेष्ठ माना जाएगा। जो व्यक्ति विवेकशील होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, आधुनिक परिवेश में चलते हुए भी अपने व्यवहार में छद्मता का समावेश होना नहीं देने चाहते हैं। वह हमेशा तर्क वितर्क कर आधुनिकता का ख्याल रखते हैं और उसे अपनाते हैं। आपके वर्ग में यह जो मुख्य बिंदु दी गई है, इसके पीछे कारण यह है कि आप आधुनिक प्रचलन को अपनाएं, लेकिन काफ़ी विचार बिंदुओं पर विचार विमर्श करते हुए। धन्यवाद।